तो गाइस हम लोग देखिए हमार मम्मी दोनों मिलके झोला को उठा लिए ऐसे है ना, और जा रहे हैं हम लोग गाड़ी के पास। अभिषेक हाँ बोलो। हमें एक ठो काम बता रहे हैं, करेगा? करेंगे बोलो। तो आज कोई सब्जी उब्जी नहीं है भैया, लाना पड़ेगा सब्जी। तो सब्जी लाना होगा तो चलो साथ में ही चलते हैं, क्योंकि अकेले तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता कौन सब्जी अच्छा है कौन खराब है। ऐसे भी तुम बहुत महंगा लाता है सब्जी, सब्जी बाजार का मार्केट समझ बूझ के सामान लेना चाहिए। तो उतना आइडिया नहीं है ना मम्मी सब्जी का, नहीं पता चलता है क्या रेट है। एक तो ऐसा करो, तुम मेरे साथ जब हम सब्जी लाने जाते हैं ना, तुम हमेशा मेरे साथ चलना, तब तुमको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये भी देखो बात है कि ये भी नहीं पता चलता कि कौन अच्छा है कौन खराब है। ऊपर से तो अच्छा लगता है सब्जी, लेकिन लाते हैं तुम बोलती हो कि खराब है। नहीं, और तौलता भी कम है, तौलता भी कम है। एक दिन हम मार्केट गए ना, तो सब्जी तौल रहे थे, तो भी थोड़ा सा चढ़ा भाई। हम बोले क्या भैया, आप का डंडी मार रहे हैं क्या? तो बोला नहीं नहीं, आप जिधर से कहिएगा उधर से तौल देंगे। तो हम बोले ठीक है, तो आप ही का बात है, आप उधर से तौल दीजिए। तो उधर से तौला तो बहुत चढ़ गया। नहीं तो सब्जी उससे लेना चाहिए ना जिसका इलेक्ट्रॉनिक वाला काटा रहता है, डिजिटल। पता नहीं उसमें भी कुछ किए हुए रहता है, सब खराब हो गया। ये सब अंगूर खराब हो रहा है, खाता नहीं है तुम लोग भाई, खाया करो, सब ला के रखा हुआ है। तो चलते हैं बेटा, हम लोग सब्जी ले आते हैं। हाँ चलो, फिर लेट फिर क्या बनेगा, खाना बनाने में भी देर हो जाएगा ना। तो चलो आज अभी हम आते हैं मार्केट से सब्जी लेकर के। चलो चलो फिर जल्दी निकलते हैं, फिर हमको भी जाना है काम। अंगूर खराब हो रहा है। इस हम लोग निकल गए हैं, मैं और मम्मी निकल गए हैं, अब सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में अभी है, तो बस थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे सब्जी मंडी और वहां से फिर हम लोग सब्जी खरीद के लाएंगे। तो आप लोग जा रहे हैं सब्जी लाने, तो ये आप लोगों को पता बताएंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, और आप लोग वीडियो में बने रहे और देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे सब्जी लेने के लिए और क्या क्या खरीदेंगे सब्जी में, वहाँ फ्रेश सब्जी मिलता है और मम्मी कैसे वहाँ पे सब्जी खरीदती है, आप ये देखिएगा जरूर। तो गाइस वीडियो में अभिषेक को सीखना है, हमेशा तो हम नहीं लाएंगे, हमेशा इसको लाना होगा। तो भाई मम्मी बोल रही है कि हमेशा तो नहीं जाएंगे, ये महंगा सब्जी लाता है खरीद। तो चलो तुमको आज बता भी देते हैं कैसे सब्जी खरीदना है, कैसे सब्जी खरीदना, कैसे थोड़ा बार्गेनिंग भी करना होता है। तो ये सब आइडिया गाइस मुझे नहीं होता, बार्गेनिंग करना हमको अच्छा लगता है। तो गाइज आप लोग वीडियो में बने रहे और देखिए हम लोग कैसे सब्जी का मार्केटिंग करते हैं आज। देखिए यहाँ पे काफी ट्रैफिक है और हम लोग ट्रैफिक में फिर से फंस गए हैं, तो वेट कर रहे हैं ट्रैफिक पे कि कब ग्रीन सिग्नल हो और हम लोग आगे बढ़े। आगे आप लोग देख सकते हैं कैसा अभी ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, रेड है सिग्नल है, अभी रेड है सिग्नल, रेड है तभी तो रुका हुआ है ना, आगे सिग्नल है क्योंकि। तो बस गाइज अब थोड़ी देर में जैसे ये ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होगा हम लोग बस एक से दो मिनट में पहुंच जाएंगे सब्जी मार्केट, फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग कौन से सब्जी मार्केट आए हैं। सिग्नल अब ग्रीन हो गया है देखिए आप लोग, और बस अब हम लोग भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग ये सिग्नल को क्रॉस करने के बाद सब्जी मार्केट। फिर आप लोग वीडियो में बने रहे और देखिए गाड़ी से उतर गए हैं और सब्जी मार्केट पहुंच गए हैं। देखिए कितना बड़ा सब्जी मंडी है, दोनों तरफ से लगा हुआ है सब्जी। अब हम खरीदेंगे सब्जी, तो बहुत सारा है, लगता है कौन सब्जी खरीदे, सब तरह का सब्जी है। 10 रुपए किलो, अच्छा। और ये सीम और टमाटर कैसे है? टमाटर तो ज्यादा लेने पर कैसे, अढ़ाई किलो लेंगे, 60 रुपए लगा दो, 8 रुपए बाजार घुस गई है, 8 रुपए लगा दो, 2.5 किलो टमाटर दे दीजिए। दे रहे भैया गोभी, अच्छा ये आपका काटा है इसी से वजन की जगह ना, हाँ, तो ये भैया का काटा है इससे वजन करेंगे भैया। हम इनसे बोले हैं ये 10 रुपया केजी बोल रहा है, 2.5 केजी लेंगे, अच्छा 20 रुपया का 2.5 केजी दे देंगे, ठीक है। अरे दीजिए, ठीक है, बढ़िया, अच्छा अच्छा देख के चढ़ाइएगा। भैया वजन ठीक देते हैं ना? नहीं काटा वाला बहुत ठीक रहता है, बहुत वो जो गंदी वाला रहता है ना वो अच्छा ही नहीं रहता है। तो ये हो गया, ये गोभी हो गया, अब हम टमाटर लेंगे। और दीदी 2.5 किलो टमाटर दे दीजिए।
दीजिएगा और कड़ा कड़ा दीजिएगा दोनों मिला के दीजिए ना। और वही केजी तो लियो यहाँ से टमाटर ले रहे हैं, वो 2.5 केजी टमाटर लेंगे हम ताकि कुछ दिन हमारा चल जाए, फिर जल्दी नहीं आना पड़े। कितना आलू ले रही है हमें? 2.5 केजी लेंगे। कैसे देंगे बाबू? 2.5 केजी। कितना का दे रहे हैं? 2.5 किलो। कितना बोले हमें? 30 बोले हैं। 2.5 किलो का देंगे? नहीं, काम कीजिए भैया थोड़ा। बाजार किस किस दिन लगता है? शनिवार और बुधवार, दो दिन लगता है सप्ताह में। मतलब हफ्ता में 2 दिन लगता है ना बाजार यहाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए भैया? से बिजू पारा। देखिए भैया, बिजू पारा से आए यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं। तो दोनों दिन आते हैं हफ्ता में आप? जो 2 दिन बाजार लगता है यहाँ पे हफ्ता में, और दोनों दिन ही भैया आते हैं यहाँ पे सब्जी बेचने के लिए बिजू पारा से। तो बिजू पारा तो यहाँ से कितना किलोमीटर होगा रांची से? 50 किलोमीटर ना। अरे बिजू पारा वही हो गया मम्मी, कुरू वाला रास्ता में। हाँ हाँ, मांडर से आ गया। हम लोग जाते हैं ना उधर, तो इनको पैसा देते हैं। कितना हुआ? 30 रुपया आलू हुआ, 20 रुपया 40 हो गया, और 20 रुपया टमाटर हो गया, 50 70 80 का है। आधा रात को मिलेगा, आधा रात को मिलेगा। अच्छा, तो इनके कहने का मतलब है गाइस कि सब्जी जब आधा रात, मतलब जब शाम हो जाता है 7-8 बजे के बाद, लोग जब जब इन लोगों के जाने का टाइम हो जाता है, तो ये लोग क्या सोचते हैं कि जो सब्जी बचा है उसको कम रेट में ही बेच के हम लोग निकल जाए, है ना भैया? सही है ना? हाँ, तो भैया बोल रहे हैं सही है। हाँ, सब्जी फ्रेश रहता है यहाँ पे। कितना गाजर ले रही हूँ मैं? 2 किलो ले रहे बेटा। 2 किलो हलवा बनाएंगे। ऐसे भी अच्छा लगेगा खाने में, मीठा है भैया? गाजर मीठा है ना? खा के दिखाइए, एक दिलाइए, टेस्ट करके देखते हैं। अजय धोया हुआ है ना भैया? अजय तो पानी से धो के दीजिए ना इसको, डस्ट उड़ता है। तो गाइस अभी गाजर को खा के देखते हैं कि मीठा है कि नहीं। वैसे भैया तो बोल रहे कि मीठा, और देखने में भी गाइस जैसे अच्छा लग रहा है गाजर, आप लोग भी देख सकते हैं। तो गाइस अभी गाजर खा के बताते हैं कि आप लोगों को कैसा है। अरे पत्ता गोभी कैसा है? तो भैया ने सही बोला था, भैया देखिए इधर, भैया सही बोले थे, गाजर खाने में काफी मीठा है गाइस। मीठा है हां, दिल का हलवा भी अच्छा बनेगा। हलवा भी अच्छा है, गाजर एकदम फ्रेश है। अच्छा, कहाँ से है भैया आप? गोला चितरपुर। गोला चितरपुर वाला दे दीजिए, 10 रुपए बंडल ले, पत्ता वाला प्याज दे दीजिए। गाइस मम्मी अब यहाँ देखिए मकई खरीद रही है। मम्मी बोली आज घर में मकई सेका जाएगा आज, क्योंकि पापा को भी काफी पसंद है मकई, है ना? और देखिए ये आंटी से खरीद रहे हैं हम लोग मकई को। तो आंटी मकई मीठा होगा ना? एकदम पक्का? अच्छा, नहीं होगा तो फिर आएंगे आपके पास शिकायत करने। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? बोरिया। अच्छा, हर कोई मतलब डिफरेंट लोकेशन से यहाँ आता है ना, कोई चितरपुर से आया है, कोई बिजू पारा से आया है। आप कहाँ से बोले? बोरिया तो बगल में हो गया, ये तो बगल में 5-6 किलोमीटर यहाँ से। मम्मी यहाँ से बस 1 किलो प्याज लिए, बोले थोड़ा सा रेट कम कर दीजिए, लेकिन नहीं किए। हाँ भैया, हाँ सुन लीजिए थोड़ा सा बात मम्मी का भी। चलिए ठीक है भैया, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, क्या होगा। तो अब सब्जी खरीदा गया, पूरा भर गया, झोला उठ नहीं पा रहा है। अच्छा, तो हम हेल्प करेंगे, मदद करो। हेलो, मिल गया, झोला उठाने में मदद करो। देखिए गाइस, पूरा झोला भर के मम्मी खरीद लिया सब्जी, तरबूज और जितना भी सब्जी वगैरह सब चीज ले लिए। देखिए पूरा बड़ा सा झोला, और देखिए पूरा सब्जी मंडी, देखिए ये पूरा दूर दूर तक है सब्जी मंडी गाइस, देखिए कितना बड़ा सब्जी मंडी है। हाँ, ये हफ्ता में 2 दिन लगता है मार्केट, ये मुरादाबादी में है ना, तो देखिए पूरा अच्छा से। और ठीक है मम्मी, तो चलते हैं हम लोग ना। तो गाइस हम लोग, अब तुम तो गाइस हम लोग देखिए, हमारे मम्मी दोनों मिलके झोला को उठा लिया ऐसे,
है ना, और जा रहे हैं हम लोग गाड़ी के पास। और कुछ घर में फिर रखेंगे सब्जी को और फिर जाएंगे पूजा में। फिर मम्मी सब्जी तो मैं लेके चला जाऊंगा और मम्मी को ड्रॉप कर दूंगा। अभी मम्मी को पूजा में जाना है कहीं, तो वहाँ पे ड्रॉप करूंगा मम्मी को। और देखिए बस हम लोग दोनों मिलके झोला को उठाए हुए, क्योंकि झोला काफी भारी हो गया है गाइस। तो बस अब धीरे धीरे हम लोग गाड़ी के पास पहुँच रहे हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क है, बस पास में ही गाड़ी भी है। तो बस हम लोग गाड़ी के पास पहुँच रहे हैं और सब्जी को रख के फिर हम लोग घर चलेंगे। हम लोगों ने पूरा शॉपिंग कर लिया, सब्जी का मार्केटिंग कर लिया, सॉरी शॉपिंग नहीं। तो हम लोगों ने सब्जी की सारी मार्केटिंग कर ली और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। देखिए मोराबादी जो लोकेशन है, काफी अच्छा लोकेशन है ये रांची का, मतलब रांची का वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है ये गाइस। और देखिए कितना ग्रीनरी है, कितना पेड़ पौधा यहाँ पे है, तो काफी मजा आता है गाइस यहाँ पे। और काफी लोग यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए फ्री टाइम में यहाँ पे आते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं। सुबह में ज्यादा भीड़। तो हम लोग एक दिन हम और मम्मी क्या करेंगे कि आपको एक कंप्लीट वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें मोराबादी के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, आप क्या करने के लिए मोराबादी आ सकते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या खाने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आज कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम लोगों ने बेसिकली मेन था कि हम लोगों को सब्जी खरीदना था, तो इसलिए आज मार्केट लगता है, इसलिए आज हम सोचे थे कि वहीं जाके लेंगे आज सब्जी। तो गाइज किसी और दिन हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग मोराबादी को कवर करेंगे कि मोराबादी में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ वहाँ पे मिलता है और खाने पीने का क्या क्या वहाँ पे है। तो गाइज वीडियो में बने रहे, अब हम लोग घर पहुँच रहे हैं। तो देख घर, अब हम आ गए हैं, पहुँच गए हैं घर पर। और देखिए कितना सारा सब्जी हम लाए हैं, ये देखिए गाजर है, प्याज है, स्वीट कॉर्न है, टमाटर है, तरबूज है, पालक है और पत्ता वाला प्याज है। इसका पकौड़ी बहुत अच्छा बनता है। और इधर देखिए गोभी है और इधर भी टमाटर है, जो उस पर नहीं रहा नीचे डाल दिए। और उसमें मटर है, देखिए कितना हरा हरा मटर है, बहुत सुंदर वो मटर है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, काफी थक गए हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए।